देश में गरीब बच्चों में खेलों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पोर्ट्स क्यूब फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संस्था द्वारा एक अनूठी शुरुआत की गई है, जिसमें इन बच्चों को खेल के सामान के साथ साथ खेल का मैदान व मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था द्वारा इसकी शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से की गई है और जल्द ही इस मुहिम को देश के अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। स्पोर्ट्स क्यूब फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो आने वाले टाइम में गुड़गांव में बहुत हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम हरियाणा से स्टार्ट करेंगे और फिर ऑल इंडिया में हम अंडर प्रिविलेज्ड और जो लोग इस गेम को खेलने के लिए अपने आप को उनके पास पैसे नहीं है, हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि हम अलग अलग जगहों से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके लाएंगे। हमारा पहला टारगेट है कि हम 30 बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे अलग जगहों से, फिर उनको हम फ्री रहना खाना और क्रिकेट की फैस ट्रेनिंग देंगे। और ये पहला साल है तो हमारा पहला साल 30 का है और आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। मैं तनेजा गुड़गांव से जुड़ा हुआ हूँ क्रिकेट से और हरियाणा से भी जुड़ा हुआ हूँ। तनेजा जी, योग फाउंडेशन द्वारा एक जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रतिभाओं के निखारने के लिए ये शुरुआत की गई है, क्या मानते हैं कैसे शुरुआत है? तो ये मेरे नॉलेज जैसे आज ही डाला है इन्होंने अनिल रोल दुआना, हमारा पुराना रणजी ट्रॉफी प्लेयर, हरियाणा के लिए बहुत कुछ खेला है, बहुत कुछ करा है इसने, अच्छे स्कोर भी करे हैं। तो मुझे तो यहाँ आगे पता लगा ये कर रहे हैं काम, तो मैं तो इनको श्रेय देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। भगवान ऐसे नेक काम लोग कम ही करते हैं, हर कोई आजकल कहते हैं लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं क्रिकेट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जिससे बात करो कोचेज कई हैं भी ऐसे, उन्होंने भी खर्चा चलाना होता है। तो ये सबसे एक अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है।